नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसे प्रकृति द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं। जो भी मनुष्य इन ईश्वरीय संकेतों को समझ लेता है, वह अपने बुरे दिनों में भी हिम्मत से काम लेकर आनंद से जीवन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा समय आने के बाद मनुष्य को अहंकार से उन्मत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय शाश्वत नहीं होता। उसके कुछ दिनों बाद उसे बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए अच्छा समय आने पर मनुष्य को आने वाले बुरे समय के लिए स्वयं को सक्षम बनाना चाहिए। बहुत सारा धन प्राप्त हो जाने पर भी उसे ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे संभल कर रखना चाहिए, ताकि जब भी जीवन में बुरा समय आए तो उस समय वो पैसा काम आए। अच्छे और बुरे समय का ये चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए बुरे समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी जाने वाला ही होता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो मनुष्य को पहले ही बता देते हैं कि उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। लेकिन श्री कृष्ण की बात भी आप ध्यान में रखें कि अच्छा समय आने के बाद अहंकार से उन्मत्त ना होए, उसका सही तरीके से उपयोग करें, ताकि बुरे दिनों में आपको दुखी ना होना पड़े। तो आइए जान लेते हैं कौन से है वो संकेत। सबसे पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य की नींद अचानक ही ब्रह्म मुहूर्त पर खुलने लग जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। ईश्वर आपकी भक्ति पर और आपके अच्छे स्वभाव पर प्रसन्न है। अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर आपको भी ऐसा महसूस होगा कि कुछ चमत्कारिक शक्तियां आपके आसपास मौजूद है। दूसरा संकेत, मूर्तियों से फूल गिरना। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपने ईश्वर की मूर्ति पर फूल रखे हैं और अचानक ही वह फूल गिर जाए, तो ये ईश्वर की ओर से संकेत माना जाता है कि ईश्वर आप पर प्रसन्न है और उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। तीसरा संकेत, बुजुर्गों से धन मिलना। अगर आपको आपके बुजुर्गों द्वारा अकारण ही धन की प्राप्ति हो, या तो आप बाहर किसी काम के लिए जा रहे हो और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर जा रहे हो और उनके द्वारा आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये भी शुभ संकेत है। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलने वाली है। चौथा संकेत, चिड़िया का घोंसला। अगर आपके घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो ये शुभ संकेत है। ये संकेत ये बताता है कि आपको अचानक कहीं से बहुत सारे धन की प्राप्ति होने वाली है। चिड़िया का घोंसला धन के आगमन का संकेत देता है। लेकिन अगर आप चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ते हैं या गिरा देते हैं तो आपके आने वाले अवसर भी रुक जाते हैं। पांचवा संकेत, बिल्ली का जन्म लेना। घर में बिल्ली अगर बच्चों को जन्म देती है, इसे भी शुभ संकेत माना गया है। आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर ये इशारा करता है। छठी बात, आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आ जाए कि आप कुछ सामान भूले हैं, तो ये बुरा समय टलने का संकेत है। अगर आपको रास्ते पर चलते समय कोई सिक्का पड़ा मिलता है, तो ये उधार दिए हुए पैसों का जल्द मिलने का संकेत होता है। ये आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने, धन लाभ होने का भी संकेत देता है। सातवां संकेत, दोस्तों, एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत धारण करने वाले मनुष्य पिछले जन्म के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। यदि एकादशी के दिन द्वार पर गाय आती है तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। अगर आपके द्वार पर एकादशी के दिन गौ माता आती है
तो उसकी पूजा करके नैवेद्य चढ़ाए, ये आपके बुरे दिन समाप्त होने का संकेत है। आठवां संकेत, आंखों में पानी आना। दोस्तों, जब भी मनुष्य दुखी हो जाता है तो उसकी आंखों से पानी आता है, परंतु जब उसकी आत्मा से पुकार आती है तब भी अचानक उसके आंखों से पानी आने लगता है। जब वो ईश्वर का ध्यान करने बैठा हो या फिर ईश्वर की कथा सुन रहा हो तो अचानक उसका मन भर आता है और उसकी आंखों से पानी आने लगता है। शास्त्रों में इसे शुभ संकेत माना गया है। ईश्वर उसे संकेत दे रहे हैं कि अब उसका अच्छा समय आने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो आठ संकेत जो मनुष्य को बताते हैं कि उसका बुरा समय जाने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।